चलो जी हमारा हो गया है कॉफी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गाइस। इसी जगह से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ब्लॉग जाना जो पहले थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो बड़े बड़े ब्लॉग नहीं डालते हम, तो छोटे छोटे डालते हैं। अभी तो सोच रहे हैं उस जगह जाने की, देखते हैं अगर रास्ता खुला होगा तो वहाँ चलते हैं उस जगह। चलिए जी, चलो भैया बैठ जाओ, आ जाओ उस जगह चलना ना, आ जाओ, कम कम बेबी कम। बैठे बैठे दिमाग में खुरापाती आई, क्या क्या करेंगे, अब वापस जाना नहीं है, कहीं ना कहीं तो टाइम है अपने पास, 2 बजे भी, क्या करें। तो सोच रहे उस पहाड़ पे चलते हैं। अब उस पहाड़ पे जाने का रास्ता तो दिख रहा है मुझे, ये अभी रास्ता जा तो रहा है लेकिन ऊपर जाता कि नहीं जाता ये नहीं मालूम। हम तो चल दिए भाई, जहाँ ये रास्ता ले जाएगा ना ऊपर तक, वहाँ तक जाएंगे। वैसे ऊपर यहाँ से रास्ता है, हमता पास का रास्ता है यहाँ से, देखते हैं अगर ऊपर का अगर खुला होगा हमता पास तो हमता पास भी दिखाएंगे आपको आज। वैसे मैं पहले कभी इतनी बार मनाली आया हूँ लेकिन हमता पास कभी नहीं गया मैं। अब देखता हूँ वहाँ जाके कैसा क्या है सिचुएशन, पूरी देखना पड़ेगा पहले, ओपन भी है कि नहीं है। चलिए देखते हैं भाई, हमता पास के लिए निकल चुके हैं। रोड बहुत खतरनाक रोड है यहाँ की, भैया बता रहे हैं। तो अपन ने अपनी गाड़ी रख दी है नीचे और 4x4 व्हीकल ही अलाउ है ऊपर। रोड तो लगी रही थोड़ा बहुत, देख रहे हैं मैं, तो अपन ने ज़्यादा रिस्क नहीं ली तो गाड़ी रख दी नीचे, अपन तो इससे चल रहा है। और ये देखो चेतावनी भी दे दी वहाँ से, जे कौन जो बैठे रहते बैरियर पे, ये कौन पुलिस वाले हैं, ये टूरिज्म वाले हैं, अच्छा। अच्छा ये सिक्योरिटी वाले हैं ये है? तो ना ये सूचना पत्र भी दे दिया, पॉज करके पढ़ लेना। बर्फ तो वहाँ पर 3-3 फुट बर्फ है, 3-4 फुट 3 फीट के ऊपर है। तो बहुत खराब है, क्या सीन है यार, अल्टीमेट सीन है। थोड़ी कंडीशन बिल्कुल, अच्छा ये बनाते भी नहीं रोड है, ये नहीं बनाते, जब ऐसे ही है ये। आइस हो गई है, 4x4 की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है अपनी गाड़ी नहीं आ पाती 100% फिक्स था। ये तो ऐसी रोड आपने देखी नहीं हुई कभी। चार-5 फुट तो होगी बर्फ यहाँ पर, 3 फुट बर्फ है। देख लो क्या हालत है रोड की, मूवमेंट
सेकंड विलेज है, ये यहां का लास्ट गांव है। लास्ट गांव सीथेन विलेज, सीथेन विलेज है भाई सर, सीथेन विलेज यहाँ का लास्ट विलेज, इसके बाद कोई विलेज नहीं है। पूरे विलेज में भाई साहब देखो सही इतना ये है ताबड़ तोड़ बर्फबारी। बिना 4x4 आई सकती किसी भी मिलने सब। ये है जन्नत, इसे कहते हैं जन्नत वाकई में यार, क्यों बताओ क्या कहते इसे? चारों तरफ केवल स्नो कैप्ड माउंटेन्स और बर्फ के बीच में हम लोग चल रहे हैं यार, काफी ऊपर है। सामने देखो ना कहाँ पे हम, हाँ यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। 1000 फुट कितना ऊपर है? 11000 फुट ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर। अरे ट्रैक में भी अच्छा लग रहा यहाँ पर, ट्रैक करते समय मतलब किसी आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। ये लास्ट पॉइंट है, कहाँ पर आ गए नीचे से चलो के एकदम भाई साहब पूरे जंगल में, क्यों क्यों मजा आ रहा देखो। ये भाई पूरी जंगल में हम लोग आ चुके यहाँ पर। ये भाई सब सुनो, अब यहाँ पर स्लिपी है, यहाँ से नीचे कैसे उतरे? ऊपर तो आ गए गुरु, अब नीचे जाना मुश्किल लग रहा। देख रहे हो ये देख रहे हो, यहाँ तक जहाँ तक देखोगे वहाँ तक पूरा बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है, वो पेड़ों पे ऊपर तक बर्फ है। बस यहाँ पर थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा फिर निकलेंगे यहाँ से, क्यों बस थोड़ा सा चाय पीते हैं, मैं ही खाना मैं ही खा लूँ फिर निकलते हैं यहाँ से। बस बहुत हो गया यार, अपने ना पैर है ना पैर नम पड़ गए पूरे पूरे सूझे, मतलब कि पूरे गीले हो गए अंदर से और इतने ठंडे हो गए, मतलब कि उंगलियाँ ना मुड़ नहीं रही हैं, क्यों पैरों की उंगलियां जम गई है तुम। और सबसे बड़ी बात सुनो, मतलब मालिक आ रहे थे और ऊपर ट्रैकिंग करने गए, हम लोग आराम से आ रहे दोनों, और इन्हें ये नहीं पता इनका जो फोन है वो गिर चुका है। वो तो मैंने पूछा फोन कहाँ है, तब फोन मिला। अच्छा हुआ बर्फ के अंदर नहीं गया वो, मतलब फोन होश ही नहीं था कि फोन कहाँ गया। चलो यार चाय वाय पीते फिर निकलेंगे यहाँ से। चलो जी यहाँ से निकल चुके हैं बहुत सारा एंजॉय करने के बाद। भाई साहब हालत देखो, यहाँ तो मैं कह रहा है ना, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब 4x4 है, बिना 4x4 का एक गाड़ी भी नहीं, एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पर। रोड पे देखो ना, रोड पे चल नहीं सकती टू व्हील गाड़ी, टू व्हील ड्राइव चल नहीं सकती रोड पे इधर, एक एक दो दो फुट बर्फ है रोड पे। ये देख रहे हो
हम तो आ गए वापस अपने रूम में। यार ऐसे नजारा हो ना, मजा आता है देखने में। देखो सामने पूरा फॉरेस्ट एरिया, ऊपर पूरे स्नो कैप माउंटेन्स है। तो यार अब इवनिंग में देखना, इवनिंग में क्या करना है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा थक गए, बहुत ज्यादा। हालात देख लो कैसी हो गई है। मतलब सुबह मॉर्निंग में निकले थे 7 बजे और अब मतलब अब आए हैं, रूम में एंट्री हुई अभी। चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं इवनिंग में कहाँ जाना है। अगर कहीं जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल तो मॉर्निंग में निकलेंगे यहाँ से वापस अपने घर के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल तो अभी करते हैं रेस्ट। चलो चाय कॉफ़ी मंगवा लो यार। अपन हो चुके हैं फुल तरीके से रेडी फिर से। अब थोड़ा सोच रहे हैं, थकान बहुत हो गई यार थोड़ा सा। थकान कहाँ, हमने क्या क्या किया है, थकान तो होगी, थकावट तो होगी, है ना। लेकिन हम फिर से एक जैसे जाते हैं, थोड़ा सा फिर टपरी मारने जा रहे हैं। कल तो निकलना है वापस, बैक टू होम होना है, इसलिए थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा थकान से। क्या क्या ठंड बहुत है ना, थोड़ा सा गला भी बैठ गया है। चलो फिर से थोड़ा सा, गला नहीं बैठ गया, बर्फ खाए बर्फ खाई थी इसलिए हो रहा है, गले में दर्द देने लगा बहुत तेज। चलो नहीं खाई थी मैंने, नहीं खाई थी। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। मारुड़ी चलने फिर से। चलो देख रहा हूँ, कल भी भीड़ थी और आज भी बहुत ज्यादा है, है? आज ज्यादा है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, ठंड भी बहुत है, ठंड भी डबल है आज भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये हाल है भाई माल लोड का, मौसम थोड़ा सा खराब भी हो गया आज फिर से। रात में अगर स्नोफॉल हो गया ना तो सुबह जाना मुश्किल हो जाएगा, माइनस में था रात में। दूर दूर तक केवल पब्लिक नजर आ रही है, दूर दूर तक पब्लिक नजर आ रही केवल भाई, केवल दूर दूर तक केवल पब्लिक नजर आ रही है। और यहाँ पर हम लोग कितनी भीड़ है भाई, देखो ऐसे मजा नहीं आता भीड़ भाड़ में। वहाँ जहाँ आज गए थे वहाँ कोई नहीं था, बढ़िया था।